आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बुधवार को जन्मे लोग अपनी उच्च बुद्धि और विभिन्न कोणों से समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे शिकार से लेकर संगीत तक विविध प्रकार की रुचियों वाले बहुमुखी व्यक्ति हैं और मल्टीटास्किंग में महान हैं। ये लोग सक्रिय और ऊर्जावान होते हैं और इनके लिए अमीर होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सदाचारी होना। वे लोग अच्छे श्रोता होते हैं और उनकी सहानुभूतिपूर्ण बातें उन्हें बहुत अच्छे दोस्त बनाती है। वे स्वभाव से समझदार भी होते हैं, जो एक आकर्षक गुण है। हालांकि वे चिंतित, लापरवाह और अप्रत्याशित भी हो सकते हैं। उनकी विचारधाराएं समय के साथ बदलती रहती हैं और वे पूर्वग्रही और अहंकारी हो सकते हैं। वे असंवेदनशील भी हो सकते हैं और निष्पक्ष रहने की अपनी क्षमता को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, जिससे जो उन्हें पसंद नहीं है उसके प्रति वे क्रूर हो जाते हैं। वे बिना किसी दुख या कारण के आंख बंद करके किसी का अनुसरण भी कर सकते हैं। बुधवार को जन्मे लोग अपनी बुद्धि के कारण आकर्षक होते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ उनका अच्छा लगाव हो सकता है। वे बातूनी और अच्छे श्रोता होते हैं और गुणवत्तापूर्ण बातचीत करना उनकी विशेषता है। ये लोग लंबी दूरी को के रिश्तों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे समस्याओं को सुलझाने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जिससे संकट के समय में उनकी सेवाएं अमूल्य हो जाती हैं। वे कूटनीतिक हैं, विवरणों के प्रति संवेदनशील हैं और महान मध्यस्थ बन सकते हैं, जो युद्धरत पक्षों को पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौते पर ला सकते हैं। ये लोग तेज तर्रार हो सकते हैं और उनमें एक बहुश्रुत व्यक्ति की भावना हो सकती है। वे अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं और उनका आत्मविश्वासपूर्ण और आश्वस्त आचरण कई लोगों को आकर्षित कर सकता है। वे आमतौर पर विपरीत लिंग के लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। बुधवार को जन्मे लोग तर्क में विश्वास करते हैं, जिससे वे महान शिक्षक बनते हैं, जो युवा दिमाग में विज्ञान और तर्क का मूल्य पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों के रूप में वे शोध करना और ज्ञान के नए रास्ते तलाशना पसंद करते हैं। वे कुशल और ईमानदार हैं और यात्रा करना और दूसरों के साथ अच्छी तरह से संवाद करना पसंद करते हैं। वे अच्छे लेखक और वक्ता हो सकते हैं और रचनात्मकता के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाना पसंद करते हैं। हालांकि रचनात्मक संतुष्टि की कमी उन्हें कई बार कैरियर बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है और योग या ध्यान करने से बहुत मदद मिल सकती है। बुधवार को जन्मे लोगों को प्यार करना आसान होता है, क्योंकि वे कम मांगते हैं और सामंजस्य बिठाने के इच्छुक होते हैं। वे सहानुभूतिपूर्ण और अच्छे श्रोता होते हैं, लेकिन वे हर बात के पीछे तर्क पर जोर देते हैं, जिससे रोमांटिक होने पर समस्या हो सकती है। ये लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि रिश्ता स्थिर और स्वस्थ बना रहे, लेकिन रोमांस और आनंद लेना पार्टनर पर निर्भर है। वे गलतियों, दोषों और कमियों को नज़रअंदाज करने और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए साथी के प्रयासों की सराहना करना और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि वे अपने अन्य कामों में खो सकते हैं और लंबे समय तक अपने साथी की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। बुधवार को जन्मे लोगों में आमतौर पर अच्छी संचार क्षमता होती है, जो उन्हें खुशहाल शादीशुदा जीवन में सफल होने में मदद करती है। उनकी तर्कसंगत सोच यह सुनिश्चित करती है कि परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे और समायोजन और अनुकूलन की उनकी इच्छा परिवार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती है। हालांकि वे निर्णय लेते समय भावनात्मक ज़रूरतों पर ध्यान न देकर चीज़ों को अत्यधिक सरल बना देते हैं। वे दूसरों से परामर्श किए बिना ऐसे यादृच्छिक परिवर्तन ला सकते हैं, जो पारिवारिक जीवन की निरंतरता को प्रभावित कर सकते हैं। बुधवार को जन्मे व्यक्ति अंक 5 को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। हरा रंग उनका भाग्यशाली रंग माना जाता है।
क्योंकि वे एलर्जी और संक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे आमतौर पर स्वच्छ परिवेश को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें तैलीय और मसालेदार भोजन का शौक होता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वे अक्सर शारीरिक रूप से कद में छोटे लेकिन अधिक फुर्तीले होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। बुधवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दान के कार्य करने से उनके समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चल मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।